माँ, ये मेम साहब तो एक नंबर की नकचड़ी है। आप ये घर काम छोड़ो और खुद का अपना नया बिजनेस शुरू करो। मतलब कि अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? मकर संक्रांति। हाँ तो आप पतंग बेचो माँ, बहुत पैसे आएंगे। चल तू अपनी पढ़ाई कर, मुझे मत सिखा। ये पतंग? मेम साहब, आज से ना मैं नया काम शुरू कर दिया है पतंग बेचने का, इसलिए अब से मैं काम पर नहीं आऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब तक मुझे नई काम वाली नहीं मिल जाती तुम यही काम करोगी, समझी? जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ और फिर मैं पतंग बेचने चली जाती हूँ। मैं भी देखती हूँ तू यहाँ से जल्दी कैसे जाती है। चलो ये काम तो हो गया, अब मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। पर तेरा काम तो मैं जल्दी होने ही नहीं दूंगी। अब सुमित्रा ये कचरा भी साफ कर देना। जी आई मेम साहब। बस आखिरी रूम में पोछा बचा है, फिर सारा काम हो ही गया। मेरे होते हुए तेरा सारा काम इतनी आसानी से नहीं होगा। सुमित्रा। जी मैम साहब। यहां पानी गिर गया है, इसे भी साफ कर दे। अब आई। ऐसे तो मैं जल्दी काम कैसे करूंगी? बड़ा पतंग बेचने का शौक चढ़ा है ना, अब बेच। अरे पूजा, जरा ये शर्ट प्रेस कर दे तो। हाँ भैया, अभी कर देती हूँ। भैया आपका शर्ट प्रेस हो गया। हाँ एक काम कर, ये भी कर ही दे। जी। अब भैया ये भी हो गया। अच्छा लगे हाथ, ये दोनों भी प्रेस कर ही दे। क्या भैया, मैं आपको आपका काम करके दे रही हूँ और आप काम बढ़ा ही रहे हो, आखिर आप करना क्या चाहते हो? वही जो तू सुमित्रा के साथ कर रही है। मतलब ये कि वो बेचारी घर काम छोड़कर अपना नया काम शुरू करने जा रही है, तो तू उसके नए काम में रुकावट क्यों डाल रही है? जब खुद पर आती है ना तब पता चलता है कि हम दूसरों के साथ कितना बुरा करते हैं। सुमित्रा। हाँ। अब ये ले तेरे इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना, अपने नए काम पर ही ध्यान देना, ठीक है? नहीं मेम साहब, मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे जल्दी से सारा काम निपटा लूंगी और फिर मैं पतंग बेचने चली जाऊंगी। ये आइडिया भी बुरा नहीं है।
हाँ सही कहा,